हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स। मैंने यहाँ हर टॉपिक से आपके कॉमन एरर्स रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब। मैंने कई सारे टॉपिक से ये वाले कॉमन एरर्स रखे हैं। तो जो भी आपका स्कोर हो, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 15 है। तो जो भी आपका स्कोर हो 15 आउट ऑफ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कॉमन एरर से ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर पर कितनी अच्छी पकड़ है। तो जो भी आपका स्कोर हो 15 आउट ऑफ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कोलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट कोलोनियलिज्म हैज़ गॉन टू फार एंड हैज़ टर्न इनटू अ क्लिशे। नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको टॉप 200 की क्लास में बताया हुआ है, तो आई होप सभी इसका राइट आंसर लगाएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको वन ऑफ दिखे तो हम वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ दे रखा है राइटर, जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन है। हम इसका करेंगे प्लूरल नाउन, तो क्या होगा, राइटर्स होगा। और एक और मैंने टॉप 200 की क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आपको WH वर्ड दिखे तो इससे पहले अगर प्लूरल है तो इसके बाद भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगर इससे पहले सिंगुलर है तो इसके बाद भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब देखिए यहाँ राइटर्स क्या है, प्लूरल है, तो हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और यहाँ दे रखी है सिंगुलर, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहले राइटर काट के राइटर्स करेंगे और बिलीव्स काट के बिलीव करेंगे, क्योंकि अगर हम वर्ब में एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। अगर हम वर्ब में से एस या ईएस हटा देते हैं तो वर्ब कौन सी बन जाती है, प्लूरल वर्ब बन जाती है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब भी आपको वन ऑफ दे तो वन ऑफ के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे, इसलिए हम राइटर में एस लगाएंगे। और एक और कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी आपको WH वर्ड दे, अगर इससे पहले सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर इसके बाद, और हु से पहले अगर प्लूरल है तो हु के बाद हम यूज़ करेंगे प्लूरल। तो यहाँ दे रखा है सिंगुलर, इसलिए हम इसका प्लूरल करेंगे, तो क्या होगा, बिलीव होगा। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंड इट टू हर। नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन भाई किसी के भी गलत नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैंने ये इतनी बार आपको समझाए हैं, काफी बार। तो आई होप सभी इसके राइट आंसर लगाएंगे। तो देखिए, बात करें पहले वाले क्वेश्चन की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में एरर है। हम यहाँ विल हैव लैंड का यूज़ नहीं करेंगे, वुड प्लस लैंड यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी आपको इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट दे तो हम हमेशा दूसरा वाला सेंटेंस है उसे हम किस में लिखते हैं, वुड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका राइट क्या होगा, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर। तो आप हमेशा याद रखना, यदि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा वाला हम किस में लेते हैं, वुड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेते हैं। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और सभी भाई लोगों का ये वाला क्वेश्चन एकदम सही जाना चाहिए। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो
तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हम यहाँ वॉज का नहीं वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट बताया है यदि इफ़ के साथ पास्ट इंडेफिनेट या फिर वर हम लगाते हैं तो दूसरा वाला सेंटेंस किस में बनता है, वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तो एकदम करेक्ट है वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट स्टार्टिंग में गलत है, तो हम इफ आई वर करेंगे ना कि वॉज। तो आप हमेशा याद रखना अगर वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इफ़ के साथ हम यूज़ करेंगे या फिर तो वर यूज़ करेंगे हम, और या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नया है तो आप इसको देखिएगा, पहले आप ट्राई करिए, बाद में तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आई होप आपने ये वाला आंसर भी लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हम बोस्ट के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, आप हमेशा याद रखना जब भी आपको इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे, अगर इससे पहले नाउन दे रखा हो तो जो वर्ब है उसके साथ अगर प्रपोजिशन आता है तो हम उसके साथ हमेशा प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। देखिए अगर यहाँ बोस्ट ना होता, एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको यहाँ एब्सेंट देता, तो हम इसके साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करते। तो आप हमेशा याद रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को, जब भी आपको इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे, अगर इससे पहले आपको दे रखा है नाउन, तो हम हमेशा जो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो उपयुक्त प्रपोजिशन होता है उसे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए बोस्ट के साथ आपको पता होगा हमेशा हम ऑफ का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसके साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ये वाला कॉन्सेप्ट नीचे वाला मैंने आपको टॉप 200 की क्लास में बताया है, तो आई होप सभी इसका राइट आंसर लगाएंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हम अवेल के बाद वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। वन सेल्फ का यूज़ क्यों करेंगे भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी आपको अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, एक्विट, ब्लेम, प्राइड, रिजाइन ये वाली वर्ब दें तो हम इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब दे रखा है स्टार्टिंग में वन, जो कि क्या है सब्जेक्ट, और आपको पता होगा वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेल्फ होता है। तो हम यहाँ अवेल के बाद किसका यूज़ करेंगे, वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी वर्ब होती हैं, अवेल, एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, एक्विट, ब्लेम, प्राइड, रिजाइन। आप टॉप 200 की क्लास में भी देख सकते हो यही वाली वर्ब है, तो हम इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मैंने वहाँ डिटेल में समझाया है कि कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट वन, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ उसका यूज़ करेंगे। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वेद्यास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी नहीं समझाया है टॉप 200 की क्लास में, तो आप वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए।
तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हम यहाँ से अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम वेद्यास का यूज़ करेंगे, वी ए आई डी वाई ए एस, यहाँ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका राइट क्या होगा, द वेद्या हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। तो आप हमेशा याद रखना, वैसे तो मैं आपको टॉप 200 की क्लास में जल्द ही बताने वाला हूँ कि कब हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है और कब हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना। देखिए अभी तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि कब हमें अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है, कब नहीं करना। जब बात की जाए का की के की, तब हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी। देखिए जैसे मैं बोलूँ राम्स हाउस, यानी राम का घर, अब देखिए यहाँ आ रहा है का की के, का राम का घर, तो हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। बट क्वेश्चन में कहीं भी का की के का सेंस नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ से अपोस्ट्रॉफी हटा देंगे। तो इसका राइट क्या होगा, द वेद्या हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड, यानी हम अपोस्ट्रॉफी हटा देंगे, एस लगे रहने देंगे। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर भी लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हमें हम एम ए एन का यूज नहीं करेंगे, एम ई एन का यूज करेंगे, क्योंकि एम ई एन क्या है, सिंगुलर है, और एम ई एन क्या है, प्लूरल है। और आपको पता होगा दोस के साथ हम हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। एम ए एन आपको क्या दे रखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि गलत आएगा। हम यहाँ यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो कि एम ई एन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट क्या होगा, यू आर लुकिंग अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको दीज दोज दे, तो हम इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। डिस्कस करें आगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है, वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम मिस्चीफ में से एस हटा देंगे, क्योंकि मिस्चीफ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता होगा अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी एस नहीं लगाते, यानी हम उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। तो इसका राइट क्या होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीफ एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो आप हमेशा याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉइज नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम यहाँ इट्स प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, देयर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इट्स क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, और देयर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। अब आप देखिए, राम एंड श्याम, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है, तो हम इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस, ये किसको डिनोट कर रहा है, प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहा है, तो हम इसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ना कि सिंगुलर प्रोनाउन का। तो इसका राइट क्या होगा, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउस मस्ट रिड्यूस देयर ओन एनर्जी यूज़ एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉइज़। तो आप हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ के दो नाम अगर वो एंड से जुड़ रहे हैं, तो हम उनको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हमेशा प्लूरल नाउन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दोज
विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड टू दिस जॉब। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, हम यहाँ विच का नहीं हु का यूज़ करेंगे। देखिए विच हम कब यूज़ करते हैं, जब बात की जाए नॉन लिविंग थिंग की, बट क्वेश्चन में नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं की गई है। यहाँ बात की गई है लिविंग थिंग की, और वो भी किसकी, पर्सन की। क्योंकि देख सकते हो आप क्वेश्चन में कि जॉब के लिए अप्लाई कौन करेगा, जानवर तो अप्लाई नहीं करेंगे, पर्सन ही अप्लाई करेंगे। तो हम विच का नहीं हु का यूज़ करेंगे, क्योंकि विच यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए और हु यूज़ होता है लिविंग थिंग के लिए। तो इसका राइट क्या होगा, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो आप हमेशा याद रखना विच हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए और हु हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग के लिए। डिस्कस करें आगे। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. No error. Video pause करिए और इसका right answer सोचिए क्या हो सकता है। Video pause कर लीजिए और आराम से इसका right answer सोचिए क्या हो सकता है। तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हम यहाँ अदर का यूज़ नहीं करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। आप हमेशा याद रखना जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो हम उसके साथ कभी भी अदर का यूज़ नहीं करते। अब दा प्लस होलीएस्ट ये आपको दे रखी है सुपरलेटिव डिग्री, तो हम इसके साथ कभी भी अदर का यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला पैटर्न एग्ज़ाम में एक बार नहीं कई बार बन चुका है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपको अदर लगा के देंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी अदर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका राइट क्या होगा, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हम अदर का नहीं दा का यूज़ करेंगे। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो भाइयों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इज़ फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर भी लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम यहाँ फर्दर का यूज़ नहीं करेंगे, फार्दर का यूज़ करेंगे। देखिए फर्दर मतलब होता है स्थिति, और फार्दर हम यूज़ करते हैं जब बात की जाए दूरी की। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है दूरी की, तो हम फर्दर का यूज़ नहीं करेंगे, फार्दर का यूज़ करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना फर्दर इसका मतलब क्या होता है, स्थिति, और फार्दर इसका मतलब क्या होता है, दूरी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ बात कर रहे हैं दूरी की, तो हम फार्दर का यूज़ करेंगे ना कि फर्दर का। डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस बुक इज़ अनडाउटली preferable than that and its printing is also comparatively good. No error. Video pause करिए और इसका right answer सोचिए। काफ़ी बार ये वाला concept मैंने आपको top 200 की class में और mock test में कराया है, तो I hope सभी इसका right answer देंगे। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम यहाँ देन का नहीं टू का यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है टॉप 200 की क्लास में कि प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इनके साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते। तो इसका राइट क्या होगा, दिस बुक is undoubtedly preferable to that and its printing is also comparatively good. तो आप हमेशा याद रखना prefer, preferable, elder, junior, senior, posterior, exterior, inferior, इनके साथ हम हमेशा to का use करते हैं, then का use नहीं करते। discuss करें आगे। You can trust this channel for the last news of this hour.
नो एरर, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है किसकी, लेटेस्ट न्यूज़ की, ना कि लास्ट न्यूज़ की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट यानी नवीनतम, जो नई न्यूज़ है उसके बारे में, ना कि अंतिम लास्ट वाली न्यूज़ के बारे में। तो हम इसका राइट क्या करेंगे, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस आर। तो हम लास्ट का नहीं लेटेस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो अभी अभी हुआ हो, रिसेंटली। तो डिस्कस करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। नो एरर, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। सभी भाई लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हम यहाँ दा का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, आप हमेशा याद रखना, जब एक व्यक्ति के दो पदों की बात करें तो पहले वाले से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ मिस्टर शर्मा के दो पदों की बात हो रही है, एक तो वो क्या है, डायरेक्टर है, और एक क्या है, चेयरमैन है। तो हम पहले वाले से पहले दा का यूज़ करेंगे और दूसरे वाले से पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी एक पर्सन के दो पदों की बात की जाए तो पहले वाले से पहले हम दा का यूज़ करते हैं और दूसरे वाले से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। तो भाइयों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो दिल से तो वीडियो को एक लाइक अभी करना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।